हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी ग्रेजुएशन एग्जाम में चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मेरे को प्रमोट लग गया है, प्रमोट लिखा हुआ है, भैया भैया मेरे को फेल लिखा हुआ है, चाहे पास लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से आखिर रिजल्ट में ये चीज लिखा जाता है, प्रमोट बच्चे कैसे होते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन एग्जाम को रिजल्ट को देखने के बाद खुद से समझ पाएगा कि क्यों मैं प्रमोट हुआ हूँ, चाहे क्यों मैं पास हूँ, चाहे क्या रीजन होता है, क्या सही तरीका होता है, किस प्रकार से आपका नंबर दिया जाता है, इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है, किसी बच्चा का, और इसको मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आखिर अनर्स पेपर चाहे सब्सिडरी पेपर का किस प्रकार रिजल्ट दिया जाता है और कितना नंबर आपको चाहिए कि आप प्रमोट कर पाएंगे या पास कर पाएंगे चाहे फेल हो जाते हैं, ठीक है। इन सभी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और हर यूनिवर्सिटी की कोई भी यूनिवर्सिटी हो लेकिन रिजल्ट इसी प्रकार से आता है, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज रहेगा यूनिवर्सिटी का, बाकी सब पेपर के रिजल्ट जो होता है सेम रहता है अनर्स पेपर। चलिए वन बाई वन करके मैं बताता हूँ। देखो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, इसके जगह आपका जो होगा किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, इसके जगह आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि हिंदी हो सकता है, इंग्लिश अनर्स हो सकता है, चाहे हिस्ट्री अनर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस आप समझिए कि अनर्स पेपर जो होता है, मान लीजिए चलिए ये कंप्यूटर है तो आपका हिस्ट्री अनर्स हो सकता है इसके जगह पे, लेकिन जो नंबर का जो तरीका होता है सेम होता है। सबसे पहले मैं नीचे जाके एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे देखो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक चीज लिखा हुआ है नीचे, ओ पूरा ज़ूम हो गया, देखो देखो सबसे नीचे गए यहाँ पे तो लिखा हुआ है पास मार्क्स इन अनर्स सब्जेक्ट, जो पास मार्क्स होता है पास होने के लिए वो अनर्स में कितना होना चाहिए, 45% इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटरी, मतलब जो अनर्स में जो पास होने के लिए कम से कम पास होने के लिए 33% नहीं चाहिए बाकी की तरह। देखो सब्सिडरी में कितना चाहिए पास होने के लिए 33, मतलब 100 में 33% आएगा था पास है, ऐसे ही कंपोजिशन जो रहता है हिंदी तो इसका भी 100 में 33% आएगा था पास है, और 50-50 नंबर वाले जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी बता दें कि उनका भी 33% रहता है, जैसे 50 का 33% निकालेंगे, 50 नंबर का 33% निकालेंगे तो 15 मार्क्स इच पेपर में अगर होगा तो पास होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया, लेकिन इसके नीचे देखो एक चीज दिया हुआ है, पास होने के लिए क्या चाहिए, स्टूडेंट पासेज इन ऑल सब पेपर, तब उनको हम लोग क्या मानेंगे, पास है। अगर आप सभी पेपर में पास होंगे तो आपको पास माना जाएगा, ये तो हर बच्चा जानता है। प्रमोट वाला क्या कंडीशन है, ए स्टूडेंट फेल इन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, अगर स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। अगर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ए स्टूडेंट फेल इन मैक्सिमम 2 पेपर, कम से कम मतलब मैक्सिमम कहने का मतलब है कि 1 या 2 पेपर में होगा तो आप प्रमोट रहेंगे, अगर उससे ज्यादा अगर होता है तो आपको फेल माना जाएगा। ए स्टूडेंट फेल इन 3 और मोर पेपर तो उसको फेल माना जाएगा। ये चीज आपको समझ में आएगा, प्रमोट किसे किया जाता है, 1 या 1 से 2 रहता है तो प्रमोट किया जाता है, अगर 2 से अधिक अगर सब्जेक्ट में आपका फेल हुए हैं तो आपको फेल माना जाता है, ठीक है, पूरा पेपर आपको नेक्स्ट ईयर देना होता है। अब मैं आपको डिटेल में और समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको नंबर परसेंटेज कितना नंबर आपको चाहिए तो आपका काम चलता है। देखिए एक लाइन यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख पाए होंगे कि लिखा हुआ था अनर्स पेपर के लिए 45% थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली, ठीक है, मतलब दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपका 45% चाहिए पास होने के लिए। अब यहाँ पे हम ऊपर आते हैं और ये हमारा हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, ये अनर्स पेपर है, इसके जगह आपका हिंदी हिस्ट्री अनर्स इंग्लिश अनर्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे है, यहाँ पे आते हैं और ये देखिए P1 पहला जो मेरा टेस्ट हुआ था पेपर फर्स्ट और ये हो गया पेपर सेकेंड का, ठीक है, और पेपर फर्स्ट जो था मेरा 75 नंबर का था जो भी बच्चा का था और पेपर सेकेंड जो था ये 75 नंबर का था, ठीक, और यहाँ पे आता है प्रैक्टिकल का नंबर, प्रैक्टिकल का नंबर में क्या होता है कि 50 नंबर के टोटल दोनों में 25-25 नंबर होगा, 100 का होता है ना टेस्ट तो 25-25 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ तो 50 नंबर प्रैक्टिकल स्कूल को देना रहता है जिसमें बच्चा को 46 और 46 नंबर मिला हुआ है, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखो तो 75 में भी इसको 45% चाहिए, 75 में अगर 75 नंबर का थ्योरी है तो थ्योरी में भी इसको 45 और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस चीज को, थ्योरी में भी इसको कितना चाहिए 45% थ्योरी में भी चाहिए, थोड़ा माउस से हम लिख रहे हैं तो थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा,
थ्योरी में भी 75 में भी इसको 45% चाहिए, और यहाँ पे 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल है मतलब 25-25 नंबर का, तो 25 नंबर का भी अगर 45% निकालेंगे तो उतना उसको चाहिए। अब थोड़ा हम यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, वहां से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेटर निकालें और यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले थ्योरी वाले के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में बच्चा फेल होता नहीं है, स्कूल को नंबर देना रहता है वो नंबर दे देता है। अगर हम लोग 25 नंबर का अगर निकालेंगे तो 12 पॉइंट कुछ आएगा शायद, ठीक है 45%, तो वो उसका टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल में फेल कोई बच्चा जल्दी नहीं होता। हम थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी अगर 75 नंबर का है तो उसका हम 45% निकालते हैं, कितना नंबर होता है 75 × 45% और ये रहा 33.75, मतलब समझिए कि आपको 34 नंबर, 33.75 मतलब आपको सेफ रहने के लिए 34 नंबर आपको चाहिए कम से कम 75 में, तो आप थ्योरी में पास रहोगे। मतलब 75 में आपको कम से कम 34 नंबर लाना होगा थ्योरी में, तो आप 45% में आ जाएगा तो आप पास होगे, ठीक है ऐसे आपको। और फिर इन दोनों को मिला के थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आपको कितना चाहिए 45 चाहिए, दोनों मिला के भी आपको 45 चाहिए, बैटरी कम हो गया, और फिर आपको दोनों मिला के भी कितना चाहिए 45 नंबर चाहिए, तब आप पास हो गए। थ्योरी में 45% निकालेंगे तो इसका 34 नंबर के आसपास हो रहा है, 34 हो रहा है, तो 75 में आपको 34 चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका 75 थ्योरी का और प्रैक्टिकल का दोनों का मिला के भी आपको 45 प्लस होना चाहिए, तब आप पास होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में 45 और सेकेंड पेपर में 45, तो दोनों जब हम लोग एड कर देंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, तो दोनों कितना हुआ 45-45 मिलकर 90 नंबर हुआ। तो कम से कम 200 में से अगर आपका 90 नंबर आता है तो आप पास होंगे, 200 में से 90 नंबर आता है तो आप पास होंगे, या नहीं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है, चाहे फेल कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आया, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमको अनर्स पेपर में कम से कम 45% से अबव लेके आना है। ऐसे बात करेंगे अगर हम लोग मैथ और इंग्लिश और हिंदी का, तो ये सब 100-100 नंबर का होता है, और इसमें आपको सिर्फ पास होना रहता है, और इसमें आपको 33% चाहिए, कितना चाहिए 33%, इसमें से आपको 100 में 33% चाहिए, मतलब 100 का अगर 33% निकालेंगे तो 33 नंबर ही होता है, तो 100 में अगर 33 नंबर से अबव आता है तो पास है, और नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये तो बहुत इजी था, सिर्फ ऑनर्स के बच्चे जो कंफ्यूज थे उनको मैं बता दिया। अब यहाँ पे बच्चे करते हैं कि अब फर्स्ट डिवीजन कैसे होगा ये बताइए, तो इतना सिंपल है। फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको क्या करना है, आपको 60% निकाल देना है, 60% निकाल देना है, मतलब 200 में से अगर 60% 200 नंबर का 60% निकालोगे तो 120 नंबर हुआ, तो 200 में अगर 120 से अबव आता है तो फर्स्ट है, नहीं तो क्या है आप सेकेंड होंगे चाहे फेल होंगे जो भी है, तो आपको 200 में से 120 नंबर टोटल लाना होगा, तब फर्स्ट डिवीजन अपने आपको मान लीजिएगा। और एक चीज आपको क्लियर कर बोले थे, हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, एक चीज बच्चा का जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है तो बच्चा ये सोचता है कि नीचे यहाँ पे फोकस करता है, सबसे पहले ये 500 नंबर पे फोकस करता है कि मेरा 500 में से 350 आया तो क्या मैं फर्स्ट हूँ या सेकेंड हूँ, लेकिन आप गलत हो, यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि बाकी जो सब्सिडी और कंपोजिशन रहता है आपको पहले बताया गया होगा कॉलेज में, ये सिर्फ पास होने के लिए है। जो मेन आपका परसेंटेज जो जुड़ता है ये अनर्स पेपर होता है, और जो फाइनल ईयर का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि फाइनल ईयर का रिजल्ट किस प्रकार से बनता है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो जब उस वीडियो का आप लोग देख लोगे कि आपका रिजल्ट किस प्रकार से बनता है, जो आपका अनर्स पेपर रहता है बस उसी का परसेंटेज जोड़ा जाता है फाइनल ईयर में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपका फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आएगा चाहे सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा, तो आपका फोकस यहाँ पे जाके नहीं होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ यहाँ पे इस पास होने के लिए होना चाहिए, हाँ मैं मैथ में भी पास हूँ, इंग्लिश पास हूँ और हिंदी पास हूँ, कूल टेंशन फ्री। उसके बाद आपको फोकस रहना चाहिए कंप्यूटर पे, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, हिंदी इंग्लिश, जो भी आपका अनर्स पेपर है उस पर फोकस जाना चाहिए, और वहां पे अनर्स पेपर में आपको देखना है कि 200 में से मेरा 120 के अबव है कि नहीं, अगर 120 के अबव है तो आप क्या हो, फर्स्ट डिवीजन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेके चलना है, अनर्स में अगर 120 के अबव है तो फर्स्ट डिवीजन हो, नहीं तो सेकेंड हो, तो क्योंकि अनर्स का ही परसेंटेज जुड़ता है तो आपको अनर्स में ही फर्स्ट सेकेंड आपको मान के चलना है, ठीक है। ऐसे सेकंड में भी आपको देखेंगे और थर्ड में आपका तो पूरा क्लियर रहेगा, क्योंकि 200 नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर, 200 नंबर सेकंड ईयर, और थर्ड ईयर में आपका 400 नंबर का होता है, तो ऐसे करके 800 नंबर में से अगर आपका 800 नंबर का अगर हम लोग 60% निकालेंगे तो भी 480 नंबर होता है, तो अगर 800 में से अगर 480 के अबव आपका आ जाएगा तो आप फाइनल ईयर में भी, मतलब पूरा रिजल्ट मिलाने के बाद जो भी अनर्स पेपर होगा उसका जब रिजल्ट आएगा आपका, तो आप फर्स्ट डिवीजन माने जाओगे, नहीं तो आप सेकेंड थर्ड जो भी है लिखा रहता है, समझ में आया। 800 नंबर का अनर्स पेपर हर किसी का होता है, उसमें आपको 480 अबव आ गया तो आप फर्स्ट डिवीजन हो, तो ये टारगेट आपको ले होके चलना है। हमको नहीं लगता है कोई मैं आपको समझाने में गलती किया हूँ, पूरा डिटेल में आपको बता दिया, और यहाँ पे आपको रिजल्ट भी एक एग्जाम्पल में लेके आया था,
कोई फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और जस्ट इसका नेक्स्ट वीडियो मैं फाइनल ईयर के रिजल्ट पे बताने वाला हूँ, तो उसको भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। इस वीडियो का ही बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।